Assalamu alaikum class, hopefully you all will be fine at your homes. Today in this video lecture, we will complete second half part of unit number 1, Dorothy meets the Scarecrow. As you all know that in the previous lecture, Scarecrow was asking from Dorothy that where she was going, and she told him that I am going to the Emerald City, ki main Emerald City mein Zumrud ke sheher ja rahi hu. Kyun ja rahi hai? Now you will come to know. आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओस टू सेंड मी बैक होम टू कैंसर्स. अब डॉर्थी ने स्केयरक्रो को बताया कि मैं ग्रेट ओस से कहने के लिए जा रही हूँ टू सेंड मी बैक होम टू कैंसर्स, कि वह मुझे मेरे घर कैंसर्स वापस भेजे. वेयर इज़ द एमरल्ड सिटी, सेट द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने पूछा ये जमुरत का शहर कहाँ है, एंड हु इज़ ओस, और ये ओस कौन है. वाई डोंट यू नो, क्यों तुम नहीं जानते. शी रिप्लाइड इन सरप्राइज, उसने बहुत हैरत से जवाब दिया. नो इंडीड, नहीं हकीकत में. आई डोंट नो एनी थिंग, मैं किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानता. यू सी, तुम देखती हो, आई एम स्टफ्ड विद स्ट्रॉ, मैं तिनकों से भरा हुआ हूँ. सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, इसलिए मैं किसी किस्म का, मेरे पास कोई दिमाग नहीं है. ही आंसर्ड सैडली, उसने बहुत ही उदासी से जवाब दिया. ओह सेड डॉर्थी, उसने कहा आई एम सॉरी फॉर यू. डॉर्थी ने कहा ओह आई एम सॉरी फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत उदासी महसूस करती हूँ. डू यू थिंक, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम्हें लगता है, इफ़ आई गो टू द एमरल्ड सिटी विद यू, अगर मैं तुम्हारे साथ जमुरत के शहर जाती हूँ, दैट ओस वुड गिव मी सम ब्रेन्स, तो क्या वो ओस मुझे कुछ दिमाग देगा. आई डोंट नो, शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया मैं नहीं जानती. कम टू द एमरल्ड सिटी विद मी एंड टोटो, मेरे साथ जमुरत के शहर, तुम मेरे और टोटो के साथ जमुरत के शहर चलो, एमरल्ड सिटी चलो. यू कैन आस्क द ग्रेट ओस फॉर अ ब्रेन, तुम ग्रेट ओस से जाके दिमाग के लिए पूछो. वट इफ़ ही डजंट गिव मी वन, और अगर उसने मुझे एक दिमाग ना दिया तो क्या होगा. यू शुड ट्राई एनी वे, तुम्हें बहरहाल कोशिश करनी चाहिए. सेड डॉर्थी, डॉर्थी ने कहा यू हैव नथिंग टू लूज, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है. दैट इज़ ट्रू, सेड द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने कहा हाँ ये सच है. यू सी, तुम देखती हो, आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बींग स्टफ्ड, तुम देखती हो कि मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाता, मेरी टांगे बाजू और मेरा जिस्म बींग स्टफ्ड वो भरे हुए हैं, बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट, इस वजह से मैं मुझे बिल्कुल भी कोई चीज़ जख्मी नहीं कर सकती. इफ़ एनी वन ट्रेड्स ऑन माई टोज, अगर कोई मेरे पाँव, टोज मीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर फुट, फिंगर्स, द फिंगर्स ऑफ योर फुट, अगर कोई मेरे पाँव के पंजे को ढूंढता है और स्टिक्स अ पिन इनटू मी, या मुझे पिन चुभाता है, इट डजेंट मैटर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई कांट फील इट, क्योंकि मैं ये महसूस नहीं कर सकता. डॉर्थी लिसन केयरफुली, डॉर्थी ने बहुत गौर से सुना, एंड नोडेड, और उसने सर हिलाया. शी वॉज अमेज्ड टू सी द स्केयरक्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग, वो डराने वाली पुतली को चलते देख कर और बातें करते देख कर बहुत हैरान हुई थी. But I do not want people to call me a fool, लेकिन मैं नहीं चाहता. Now the scarecrow is talking with Dorothy, as you can see in this picture. Dorothy and scarecrow is standing, and there is also a dog Toto. But I do not want people to call me a fool, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ़ कहें. And if my head stays stuffed with straw, और अगर मेरा सर तिनकों से भरा रहता है, instead of with brains, दिमाग की बजाय, as yours is, जैसे कि तुम्हारे पास है, how am I ever to know anything, तो फिर मैं किसी चीज़ के बारे में कैसे जानूँगा. I understand how you feel, मैं समझती हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो. said the girl, little girl छोटी लड़की ने कहा who was truly sorry for him, जो कि वाकई उसके लिए बहुत उदासी महसूस करती थी. इफ़ यू विल कम विद मी, अगर तुम मेरे साथ चलो, आई विल आस्क ओस टू डू ऑल ही कैन फॉर यू, तो मैं ओस से कहूँगी कि वो तुम्हारे लिए जो भी कर सकता है करे, और तुम्हें ब्रेन, तुम्हें दिमाग दिला दे. थैंक यू, ही आंसर्ड ग्रेटफुली. स्केयरक्रो आंसर्ड ग्रेटफुली टू डॉर्थी. स्केयरक्रो ने, डराने वाले पुतले ने, बहुत ही शुक्रगुजारी से शुक्रिया अदा किया डॉर्थी का. थैंक यू, आपका शुक्रिया. डॉर्थी, टोटो एंड द स्केयरक्रो वॉक टू द फेंस. डॉर्थी, टोटो और स्केयरक्रो, डराने वाला पुतला, बार की तरफ चले. दे क्लाइम्ड ओवर इट, उन्होंने बार के ऊपर से छलांग लगाई. एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द येलो ब्रिक रोड, और उन्होंने चलना शुरू किया, पीले रंग की ईंटों से बनी हुई सड़क पर चलना शुरू किया, टूवर्ड्स द एमरल्ड सिटी, जमुरत के शहर की तरफ.
टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन. टोटो ने तिनकों से भरे हुए आदमी के गिर्द सूंघा. ही ग्राउल्ड एज इफ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ. ही ग्राउल्ड, वो गुड़ाया जैसे कि उसको शक हुआ था कि शायद वहाँ पे तिनकों में चूहों का कोई घोंसला था. ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे. उसने बहुत ही गैर दोस्ताना अंदाज में सलूक वो बहुत ही गैर दोस्ताना अंदाज में सलूक करा था. बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्केयरक्रो, क्योंकि वह स्केयरक्रो को नहीं जानता था. डोंट माइंड टोटो, सेड डॉर्थी टू हर न्यू फ्रेंड. डॉर्थी ने अपने नए दोस्त को कहा, तुम टोटो की इस हरकत का बुरा मत मनाओ. ही नेवर बाइट्स, वो कभी काटता नहीं है. ओ आई एम नॉट अफ्रेड, ओ मैं बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूँ, रिप्लाइड द स्केयरक्रो. स्केयरक्रो ने, डराने वाले पुतले ने जवाब दिया. ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ, वो तिनकों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता. टोटो बी नाइस, टोटो अच्छा सलूक करो, सेड डॉर्थी टू हर डॉग. डॉर्थी ने अपने कुत्ते टोटो से कहा. एंड बेंट डाउन, और नीचे झुकी टू पैट हिम, उसे थपकी दी. देन शी पिक्ड अप हर बास्केट, पर उसने अपनी टोकरी उठाई. एंड दे बिगैन वॉकिंग अगेन, उन्होंने दोबारा से चलना शुरू किया. डू लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू, आप मुझे ये आपके लिए बास्केट मुझे उठाने दें. आई शुड नॉट माइंड इट, मैं इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगा. फॉर आई कांट गेट टायर्ड, क्योंकि मुझे तो थकन ही नहीं होती, मैं तो थकता ही नहीं हूँ, मैं थक ही नहीं सकता. सेट द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो डराने वाले पुतले ने कहा. आई विल टेल यू अ सीक्रेट, मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ. ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा. एज ही वॉक्ड अलोंग, जैसे वो चले. देयर इज़ ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, दुनिया में एक ही चीज़ है जिससे मैं खौफजदा हूँ. व्हाट इज़ दैट, आस्क्ड डॉर्थी. डॉर्थी ने पूछा, वो क्या है. इज़ इट द फार्मर हु मेड यू, क्या वो किसान है जिसने तुम्हें बनाया. नो आंसर द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो ने जवाब दिया. नहीं, इट इज़ अ लाइटेड मैच, ये माचिस की एक जलती हुई स्टिक है या माचिस की एक जलती हुई तीली है. नाउ गाइस यू टेल मी व्हाई द स्केयरक्रो इज स्केयर्ड ऑफ लाइटेड मैच. बिकॉज द स्केयरक्रो वॉज स्टफ्ड विद स्ट्रॉज. एंड यू नो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हिज हैंड्स एंड हिज ड्रेस, दिस इज़ ऑल मेड अप ऑफ स्ट्रॉस. अगर आप स्ट्रॉस को लाइटेड मैच दिखाएंगे, माचिस की एक जलती हुई तीली दिखाएंगे, देन वॉट हैपन्ड, ऑफ कोर्स इट विल बर्न, ये सब के सब जल जाएगा. ठीक है, सो ही इज द स्केयरक्रो इज स्केयर्ड ऑफ लाइटेड मैच. ये माचिस की एक जलती हुई तीली से इसलिए खौफजदा है क्योंकि अगर इसे माचिस की तीली दिखाई जाएगी, इस पर माचिस की तीली आप लगाएंगे तो ये जल के राख हो जाएगा. दिस इज़ योर reading with Urdu translation of unit number 1, Dorothy meets the scarecrow. Mark here today's date.